हर कोई तो श्रद्धा से पाल नहीं सकता गाय को। गाय के दूध के फायदे कभी तुम नहीं गिनाए। अरे अत्याचार से बचाने का तरीका तो आपने सोचा होता, उसका साइंटिफिक रीजन बताए होते, उसका वैल्यू बिल्कुल जीरो कर दिया। मैं इतने सारे कानून का क्या फायदा भाई? कानून जो होता है इंसान की सहूलियत के लिए, जानवरों की, प्रकृति की सहूलियत के लिए होना चाहिए। ये ए योगी महाराज, आप दया करो गाय के ऊपर, इतना अत्याचार नहीं सहा देखा जाता। गाय रोडे पे ऐसी कट जा रही है, उसका गर्दन अलग है, पैर टूटा हुआ है, तड़प रही है, किस लिए तड़प? आपने तो बस श्रद्धा पकड़ा दी। लो जी, गाय को पूजना है जी, कैसे पूजेंगे जी? तो ये जो आपका टेक्निक जो है वो कमजोर है इस मामले में। योगी जी, मैं आपको ही कह रहा हूँ, मैं नागरिक होके कह रहा हूँ, मेरे किसानों को बचा लो महाराज। ऐसे खेतों में ऐसे ही पड़ती पड़े हैं, खाली पड़े हैं, किसके डर की वजह से? गाय बैल किसान मर रहा है, आम आदमी परेशान है गाय से, आपके शहरों में नागरिक परेशान है, गाय को भी परेशानी हो रही है इन सब चीजों से। ये क्या सब ठीक है? क्या देखे किसान? आपकी श्रद्धा देखे, जितनी सुख सुविधा से गाय रहती थी, आज उसके डबल दुख से झेल रही है गाय। मेरा ये मानना है कि योगी सरकार को गाय को लेकर इनका सिस्टम है वो फेल है, वो गलत है, क्योंकि ये हिंदुओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। गाय के ऊपर जो इन्होंने अत्याचार किया, इतना अत्याचार योगी ने गाय के ऊपर किया, योगी सरकार जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार है, मैं उनको सम्मान से योगी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे नफरत करता हूँ, लेकिन उनकी एक जो नीति है गाय को लेकर वो बहुत ख़राब है। तो मेरी जो राय इस पे है वो ये है कि गाय को बूचड़ खाने जो जा रही थी उसको जाने देना चाहिए। ये श्रद्धा का विषय है कि नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन समझिए कि श्रद्धा को अपने सही से समझिए। पंच तत्व है जो शरीर है, वो सबका शमशान जाता है या कहीं पोस्टमार्टम में जाता है या अंगदान में जाता है, तो सेम तरीका हुआ है आपका ये बूचड़ खाना गाय का। गाय का वो पोस्टमार्टम की जगह है, वो आपका डोनेशन की जगह है, वो उनका अंतिम संस्कार की जगह है, उसको वहाँ जाने देना चाहिए। क्योंकि जो गाय का शरीर बाहर वातावरण में सड़ेगा, गलेगा, खराब होगा, जो ऐसे ही रोडों पे टक्कर मार देते हैं लेकिन उसको उठाने वाला नहीं होता है, वो बदबू देने लगता है, लोगों का आना जाना दूभर होता है, वहाँ गाय की जो वहाँ अपमान हो रहा है, जो किसान उसे पीट रहे हैं, मार मार के अपने खेतों से दूर भगाना पड़ रहा है, इतने सारे बैल, इतनी सारी गाय, इतने सारे फसल को नुकसान कर रही है। नुकसान मत कहो भाई, श्रद्धा की बात है, चलो वो चर खा रही है, लेकिन आम जनता का उसमें पैसा लगा होता है तो नुकसान के रूप में हो गया। बाकी गाय का इस्तेमाल हम करते हैं और गाय को हम पालते हैं, गाय हमारा इस्तेमाल करती है, हम उसे चारा देते हैं, हम उसे वो चीज़ देते हैं, बिल्कुल हमारे क्षेत्र जैसे इंसान के रहने लायक क्षेत्र में भी गाय रहती है, तो वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। लेकिन यहाँ योगी सरकार ने बिल्कुल बूचड़ खाना बंद करा के एक प्रकार से गाय के ऊपर बहुत अत्याचार किया। सड़कों पर 50 गाय, 20 गाय, 10 गाय ऐसे घूमती रहती है, रात में खेतों को चरती रहती है, एक्सीडेंट होता रहता है। भाई जो सिस्टम बना हुआ है रोड का, सड़क का, गाड़ियां तेज भागने के लिए, वहां गाय खड़ी है। मार्केट में जाओ वहां गाय खड़ी है, कहीं भी ट्रैफिक लग गया वहां गाय खड़ी है। तो भाई गाय ये हटाओगे भी कि मतलब उसकी पूजा करते हो तो सर पे बिठा लोगे जनता के? इसका आपका जो दायित्व बनता है उसे करना चाहिए था योगी जी। आपको जैसे सरकार में आए, गाय को आपने बूचड़ खाना बंद करा दिया, बहुत सारे गौशाला आपने खुलवाया, लेकिन वो जितना आपने रोक दिया उसका आश्रय नहीं दिया आपने। अत्याचार किया कि नहीं किया आपने? उसको आश्रय दिए होते, उसको छांव दिए होते, उसको व्यवस्था दिए होते, उसका भाव न घटने दिए होते, आपने न फ्री कर दिया उनको, उनका भाव एकदम खराब ही कर दिया कि आदमी उसे मन करे तो पकड़ लेता है, मन करे तो छोड़ देता है। ये क्या है? सब इंसान को तो श्रद्धा सिखा नहीं सकते कि नहीं गाय हमारी माता है, गाय के अंदर सभी देवता रहते हैं, उसमें ये वो। भाई जनता को कैसे सिखाओगे? कोई ऐसे दिमाग का है जिसे पैसे की ही भाषा समझ में आती है, और जिसे पैसे की भाषा ही समझ में आती है वो गाय क्यों रखेगा? वो तो बिजनेस करता है गाय के साथ कि हमें दूध बेचना है, हमें इसको बेच के 2 पैसे कमाने हैं, इसको पालना है, थोड़ा बढ़िया से दूध देगी या फिर शरीर से हो जाएगी तो हम उसे बेचेंगे तो फिर मुनाफा आएगा।
हर कोई तो श्रद्धा से पाल नहीं सकता गाय को, और गाय की इतनी संख्या है, इतना जरूरत है गाय की, कि इसे श्रद्धा के नाम से पाला जा नहीं सकता। तो आप कैसी मानसिकता लेके आए? आए तो बूचड़खाना ही बंद करा दिए। उत्तर प्रदेश में देखा, मैं अभी जैसे दिल्ली की तरफ रहता हूँ और दिल्ली से लेके मैं प्रयागराज तक जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ गाय की दुर्दशा, हमारे गांव में गाय की दुर्दशा, हमारे जिले में गायों की दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा, गाय ने किसान को बर्बाद किया। और पहले क्या करते थे भाई, दो पैसे मिलते थे गाय की वजह से, तो किसान भी गाय को रखता था, उसे पालता था, उसके बछड़े को पालता था, बड़ा करके बेच देता था। लेकिन आपने बिल्कुल ही तोड़ दिया उस सिस्टम को, आपने दिया नहीं जो काम वाली चीज़ है। जैसे गाय, गाय के दूध के फायदे कभी तुम नहीं गिनाए कि भैया समाज वाले हो, देख लो गाय के इतनी फायदे हैं, गाय के दूध के ऐसे ऐसे फायदे हैं, गाय सब रखो। तब गाय महंगी होती, उसके भाव बढ़ते, फिर गाय बूचड़खाने से जाने से बचती, तब उसे लोगों तक वो पहुंच पाती, ज़्यादा संख्या में हो पाता, दूध का उत्पादन होता, उसके गोबर का इस्तेमाल होता, आगे वो कोई इस्तेमाल श्रद्धा में, फिर वो जब 5 साल 10 साल उसे इस्तेमाल करता तो साल भर 2 साल 1.5 साल उसकी पूजा भी कर लेता। लेकिन आपने तो बिल्कुल ही मतलब उसे फ्री ही कर दिया कि भाई अभी मैं आ रहा था वहाँ, मैं देखा भी कि एक बछड़े को बछड़ा है, उसे भगाना चाहते हैं कि यहाँ से भाग जाए, कोई गाय आ रही है तो उसे डर लग रहा है कि यहाँ से हटाओ भाई, ये भाई इस समय गाय के मूड में क्या है, क्रोध है क्या है, गाय तो ज़्यादातर सीधी होती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कई सारे CCTV वीडियोस में देखा होगा कि गाय हमला कर देती है इंसानों पे, उसे महसूस होता है कि खतरा महसूस है या क्रोधित है या किसी प्रकार से सताई गई है, तो वह इंसान के ऊपर हमला कर देती है। तो आपने इसका कुछ समाधान ही नहीं सोचा, बस गाय को ऐसे ही नहीं होना चाहिए, गाय के साथ अत्याचार, बस इसी पे आ गए। अरे अत्याचार से बचाने का तरीका तो आपने सोचा होता, उसको लागू किया होता, उसको सिखाया होता, हिंदुओं को सिखाया होता, मुसलमानों को सिखाया होता, और लोगों को जागरूक किया होता कि भाई देखो ये गाय है, गाय पूजनीय है, इस तरह से पूजनीय है, उसका साइंटिफिक रीजन बताए होते। लेकिन ये सब आप ना कुछ करके बस डायरेक्ट ठप, अरे जनता है भाई, जनता के बीच में गाय है, अब ये गाय कितना नुकसान कर रही है समाज का भी और सबका, और गाय के ऊपर अब कितने अत्याचार होने लगे हैं, जरा ध्यान दो, पहले ये अत्याचार नहीं होते थे। पहले इसलिए अत्याचार नहीं होते थे कि गाय की एक वैल्यू थी कि भाई ये 30,000 की 20,000 की ये किसी को सौंपूंगा तो वहां से रिटर्न आ जाएंगे, हम इसको खिलाने पिलाने का जो हमने खिलाया पिलाया है पैसे लगा के, वो पैसे हमारे निकल जाएंगे, तो वो वैल्यूबल चीज थी। लेकिन आपने क्या किया, उसका वैल्यू बिल्कुल जीरो कर दिया। मैं कहता हूँ कि आप हमारे इलाहाबाद जिले में आइए, भदोही जिले में आइए, आपको 500 से 1,000 गाय फ्री में आपको मिल जाएगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप उसका कुछ भी करिए। लेकिन अब यह है कि गवर्नमेंट ने ऐसा पुलिस को आदेश दे दिया है कि गाय कहीं कोई ले जाता दिखे, कोई बेचता दिखे, कोई खरीदता दिखे, कोई बूचड़खाने बेचना चाहे या उसे छोड़ना चाहे, इतने सारे कानून का क्या फ़ायदा भाई। कानून जो होता है इंसान की सहूलियत के लिए, जानवरों की, प्रकृति की सहूलियत के लिए होना चाहिए, ये कैसा कानून बना दिया आपने? ए योगी महाराज, आप दया करो गाय के ऊपर, हे योगी महाराज हिंदुओं के ऊपर दया करो, इतना अत्याचार नहीं सहा देखा जाता। गाय रोडे पे से कट जा रही है, उसका गर्दन अलग है, पैर टूटा हुआ है, तड़प रही है, किस लिए तड़प रही है? क्योंकि किसानों को जो उन्होंने गाय में अर्पित किया था कि चलो हमने इतने महीने इसको खिलाया है, इतने का भूसा मैंने खिलाया है, तो ये 10,000 का भूसा खिलाया है तो चलो 10,000 तो मेरा निकल जाएगा। लेकिन आपने कहा नहीं, 10,000 मत देखो, अपनी श्रद्धा देखो। तो ये अब श्रद्धा वाला वो काम नहीं रह गया है, जानते हो मटेरियल युग आ गया है। मटेरियल युग में आप हिसाब किताब किए बिना किसी पे श्रद्धा कितना थोपोगे बताओ? अब ये बताओ, आप वहां श्रद्धा भूल गए जब नदियां गंदा हो रही थी, तो आप क्या किए कि नदी में विसर्जन को पे रोक लगा दिया और लोग तालाब में, गढ़ी में, नाले में मूर्तियों को विसर्जन करना उनका मजबूरी हो गया। छोटे छोटे गंदे गंदे नाले वाले ताले तालाब जो होते हैं उसमें जाके अपना गणेश जी को, सरस्वती जी को, विश्वकर्मा जी को उसमें विसर्जन करना पड़ रहा है। मैं यहीं गाजियाबाद अरथले की बात कर रहा हूँ, झील है बगल में हिंडन नदी है, झील, हिंडन नदी भी नाले का रूप धारण कर लिया है, झील जो है वो भी नाले जैसा है, वहीं बगल में एक छोटा सा और बना दिए हो कि उसी में विसर्जन करना है। तो आपने तो ये डिसीजन श्रद्धा पे नहीं देखा, लेकिन गाय पे आप श्रद्धा थोप दिए हो कि नहीं इसको श्रद्धा से ही ट्रीट करना चाहिए। राज, श्रद्धा से ट्रीट तब होता है जब आदमी उससे नुकसान नहीं सह रहा होता है, तब आदमी श्रद्धा किस लिए रखता है?
ताकि हमें स्वर्ग मिले। आखिर है तो पाप फायदे का ही सौदा ना, स्वर्ग की चाहत क्या है, फायदे का ही, हमको पाप ना मिले, हमें पुण्य मिले, हमारे साथ अच्छा हो, हमारे बच्चों के साथ अच्छा हो, उसके भविष्य के लिए, सब कुछ तो है लालच पे ही ना मालिक, सब कुछ है लालच पे। ये संसार का जो खिंचाव तनाव है चल रहा, सब कुछ लालच पे ही चल रहा है। और आप क्या किए, आपने तो बस श्रद्धा पकड़ा दी, लो जी गाय को पूजना है जी, कैसे पूजेंगे जी, अब उसमें 50,000 रुपये का भूसा और उसको भोजन खिला के उसको उसकी पूजा करेंगे जी। तो ये जो आपका टेक्निक जो है वो कमज़ोर है इस मामले में। योगी जी मैं आपको ही कह रहा हूँ, मैं एक नागरिक हूँ, मैं नागरिक होके कह रहा हूँ, मेरे किसानों को बचा लो महाराज, आपने ऐसा कर दिया है कि बर्बाद हो गए हैं। हम अपने गांव को करीबन 100,000 बीघा जमीन जिसमें रहर होती थी, मनीझन होता था, उड़द होता था, अब बहुत सारा आइटम हो जाता था, मटर होते थे, चना होता था, नहीं कुछ तो सरसों होती थी, ऐसे खेतों में ऐसे ही पड़ती पड़े हैं, खाली पड़े हैं, किसके डर की वजह से, गाय बैल, गाय बैल। तो ये गाय बैल जो है ना, इसको सम्मान दो योगी जी, और किसानों को थोड़ा मरने से बचाओ योगी जी। आपका यूपी में किसानों की बैलों और गाय की वजह से दुर्दशा हो गई है। ये गाय माता को सही सम्मान देने के लिए बूचड़ खाने खुलवा दीजिए, बूचड़, क्योंकि बूचड़ खाना जो है गाय को सम्मान देता है, गाय को, गाय के शरीर को यथास्थान पहुंचा के सम्मान देता है, उसके स्किन को, उसकी हड्डियों को, उसके मांस को, उसके और अंग के को काम पे लगा देता है, यानी डोनेट कर देता है। कौन करता है, ये बूचड़ खाना करता है। अब ये बताओ, इतनी सारी गाय रोडों पे कट के मर जाती हैं, सड़ जाती हैं, लोग उससे परेशान हो जाते हैं, गाय भी वहाँ इतना अपमानित होती है, क्या वो ठीक लग रहा है आपको? किसान मर रहा है, आम आदमी परेशान है गाय से, आपके शहरों में नागरिक परेशान है, गाय को भी परेशानी हो रही है इन सब चीज़ों से, ये क्या सब ठीक है? तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, और लॉजिक लगा के गाय को उचित सम्मान देने का एक व्यवस्था कीजिए, इस पर मीटिंग बैठाइए। इन चीज़ों के अनुभवी लोग हैं, किसान लोग हैं, इनको बुला के इस पर मीटिंग बैठा के इसका सलूशन निकालिए, कुछ ऐसा कीजिए। ये क्या कर दिया है आपने गाय के साथ अत्याचार, मेरा आज गाय को मैं देखा, मैं बदबू उसका जब रोड पे सूंघा, जब सड़ गई थी, नगर निगम वाले नहीं पहुंचे होंगे, या ऐसी कमजोरी है कहीं, या फिर वो लोग रोडों से उठा के साइड में रख देते हैं, तो नगर निगम नहीं देख पाता, या उसको बुलावा नहीं भेजा जाता, तो वो उठाने नहीं आता, तो 4-6 दिन में बहुत गंदी बदबू आती है। अब वो भक्त को भेज दो जो उसको बहुत ज़्यादा इज्जत देता है, उसको बोल दो कि बस 1/2 घंटे उसके साथ बैठ जाओ, तो वो भी मरेगा, वो पूरा इन्फेक्शन समाज को ही दे देगा, दिमाग खराब हो जाएगा, केवल 10 मिनट वहाँ जो सड़ी हुई शरीर उसके पास कोई जाएगा तो। तो भैया ये वाला जो अपमान है, इससे बचाओ गाय को। गाय जहाँ जा रही थी उस समय बहुत अच्छी स्थिति में थी, कृपया करके उसी स्थिति में अगर आप गाय को ला देंगे, समाज को ला देंगे योगी जी, तो बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत एहसान होगा। पहले की अपेक्षा आज के जो लोग हैं परेशान हैं, और गाय भी आज बहुत ज्यादा 4 गुने स्तर पे ज्यादा गाय अब सताई जा रही हैं। तो आपने क्या किया, आपने तो पाप कर दिया ना योगी जी। योगी जी के मंत्रियों को भी मैं कह रहा हूँ, और जो केंद्र में बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, सुप्रीम कोर्ट को मैं कह रहा हूँ कि हे महोदय जी, ये जो कानून लाए हैं योगी जी, इसको यहां से खत्म करो, हो सकता है इनके मानसिकता से दिक्कत आ रही है, कि इनके कानून से दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है, योगी से दिक्कत आ रही है गायों के ऊपर और किसानों के ऊपर, इनको और काम में लगा दो योगी जी, बहुत और काम में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे अच्छे कर लेते हैं, अच्छी अच्छी रोड राज्य को दे रहे हैं, अच्छे अच्छे विकास के कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस वाले कानून से इनको हटाओ, ये बिल्कुल योग्य नहीं है। बताओ इतना इतने कम दिमाग के निकले आप, मैं गायों के हत्या उनकी हत्या देख के मैं आ रहा हूँ ना, और गायों को वहाँ पीटते हुए देख रहा हूँ ना, मैं अपने गांव के किसानों को देख रहा हूँ ना, रात रात भर लठ बरसाते हैं किसान गाय के ऊपर भगाने के लिए खेत से, अब क्या करें बेचारे, अपना बच्चा पालें, इंसान का बच्चा पालें, कि गाय को छोड़ दे पूरा इसे खा जाए, 20,000 का लगाया है फसल, वो 20,000 बस एक रात में ही सफा कर दे, क्या देखे किसान, आपकी श्रद्धा देखे, किसान को मारने आए हो क्या योगी जी, एक बार ग्राउंड पे उतरो तो सही। कई जगह आपने गौशाला खुलवा दिए, कई जगह खुलवाए, मैं मानता हूँ, अच्छे गाय के लिए प्रबंध किया है आपने,
लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट के ऊपर ध्यान जाना चाहिए आपका। ये कर्म के ऊपर नहीं कि मैंने ये करवा दिए वो करवा दिए, चलो कानून लगा दिए, अच्छे उसको बचाने के लिए, उसको व्यवस्था के लिए आपने टीका उका करवाने का व्यवस्था कर दिया, आपने बहुत सारा इंतजाम कर दिया, लेकिन रिजल्ट, रिजल्ट तो जीरो का जीरो ही रहा। जीरो क्या, जीरो माइनस 100 हो गया है इस समय। जितनी सुख सुविधा से गाय रहती थी, आज उसके डबल दुख से झेल रही है गाय। हम अब देखे हैं इस बार जब बरसात का मौसम आया, इतनी सारी गाय नदी में, गंगा नदी में बह रही थी। भैया मैं क्या करता, पूरा गांव थूक रहा है। हमारा गांव नदी के किनारे है, मैं समझ पा रहा हूं कि वहां सब लोग कितने फसल बोते थे गाय के चक्कर में, बैल के चक्कर में। हो गया, सत्यानाश हो गया। दो गाय थी हमारी, जैसे योगी आए वैसे भाव गिर गया। अब जब भाव गिर गया तो कोई लेने को तैयार नहीं, बोले भैया हमारे यहाँ भी पड़ी है ले लो। अब हम सोचते थे कि चलो हमने 20-20 हज़ार रुपये में उसे खरीदा था, हमारे बच्चे गांव में रहना चाह रहे थे, तो जब 20-20 हज़ार का लिया और दूध दे रही थी, अब ज़रूरत था कि अब उसे हम 10 हज़ार में किसी को दे दें, पैसे के बिना भी देना चाहें। अब कैसे दें, कोई लेने को तैयार नहीं। अब दूसरी गाय, भाई दूध तो चाहिए चाहिए, अब बच्चों को तो भूखा मार नहीं सकते कि चलो गाय बुचुक गई, दूध नहीं आ रहा है तो अब दूध हम खरीदेंगे। कहे से खरीदेंगे भैया, अब गाय पालें कि दूध खरीदें, डबल खर्चा हो गया ना। तो आदमी समझ लेता है श्रद्धा को, लेकिन परिवार टूट जाए, बिखर जाए इस चक्कर में, आपके इस कानून के चक्कर में, इस सिस्टम के चक्कर में, तो क्या हो। अब उस गाय को मैं 10 हज़ार घाटे में भी बेचना चाहूँ तो कोई लेने को तैयार नहीं। दूध का इंतजाम करना चाहूं तो क्या करूं आपके कानून के चक्कर में। तो ये मेरा दुख नहीं है, ये मैं अपने गांव की दुख बता रहा हूं, अपने समाज की दुख बता रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं कि उदाहरण मेरे ऊपर ऐसा गुजरा है। तब फिर क्या करना पड़ा, फिर मैं तो जिद करता रहा, नहीं भैया गाय हमारी माता है, हम इसको कदापि इसका दूध इस्तेमाल कर लिए हैं तो मेरा फर्ज बनता है इसको पालें। लेकिन हमारे घर की स्थिति बिगड़ती जब गई तो हमारी मैडम, हमारी चाची, हमारी मौसी, हमारी पूरे परिवार वालों ने कहा कि ये राजू है ये समझेगा नहीं, तो ऐसा करो ये कहीं जाए तो पकड़ो और जाके कहीं छोड़ाओ दूर। ऐसा ही हुआ, फिर कहीं दूर छोड़ दिए तो वो चरते खाते 2 दिन बाद आ गई। फिर उसके बाद दिमाग लगाए घर वाले कि देखो ये दूर नहीं जाएगी, तो गाड़ी में भरवाए और गाड़ी में भरवाए तो वहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर वहाँ छोड़ाए। उस समय देखो तो हर जगह गाय गाय। मैं लॉकडाउन के बाद फिर सोचा कि किसानी कर लूं, भाई साहब मेरे 5,000 रुपये किसानी में डूब गए। 5,000 रुपये क्या हुआ कि मैंने कुछ लगाया कि भाई चलो अब लॉकडाउन है, अब गांव 4-3 महीने का लॉकडाउन लगा है तो कुछ फसल में कुछ कमा लिया जाए। लेकिन जैसे ही मैं फसल लगाया, थोड़ा थोड़ा हरियाली फैली, वैसे ही इतनी सारी गाय को मतलब नज़र पड़ गई। अब गाय बैल भाई रातों रात तो घूमते रहते वो, तो फिर मैंने उसको चरने लगे तो थोड़ा ख़राब हुआ, तो मैंने कहा चलो उसको घाता घेरे। फिर उसको बाद उसको रात दिन जैसे तैसे तोड़ ताड़ के उसको भी बेकार कर दिए 2-3 दिन में। फिर किसी ने बताया कि देखो कटीले तार लाओ, कटीले तार से डरती हैं, तो कटीले तार लाए, पैसा खर्चा हुआ ना, अब और खर्चा बढ़ता गया। अब कटीले तार लाए तो उसमें गाय जख्मी होने लगी। दर्द तो हमें होता है कि यार ये हमारे काम की चीज़ है, हमारे समाज में श्रद्धा का एक जीव है, इस पे हमारी श्रद्धा है, हिंदुत्व की, हिंदू की श्रद्धा है, इसको सम्मान सही है, सम्मान देना बहुत बिल्कुल सही है। लेकिन अब उसके घाव होने लगा, कटीले तार को हटाया, फिर उसके बाद फिर बाद से मजबूती से किया, लेकिन जब था मतलब बेकार ही हो गया। एक रुपए का भी उसमें मुनाफा नहीं निकला। 5,000 रुपये बड़ी मेहनत करके हमने दिन रात एक करके उसे किया था, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ आपके गाय के चक्कर में। ये छोटा सा दर्द है मेरा, इन 10-20 की जमीन का दुख बता रहा हूँ। ऐसे बीघे बीघे जमीन पे जिसने लागत लगाई, जिस किसानों ने उसे बोया, उसे जोता, उसका क्या हाल हुआ होगा। किसान के तो भाई दुख के भाई कहाँ से व्यक्त करूँ, गाय के आगे गाय का दुख रोऊँ या किसान का दुख रोऊँ। इन कट्टर वाले हिंदुओं को भी समझना चाहिए, जो बड़े खुश हो रहे थे बूचड़ खाने बंद करवा के, बहुत अच्छा लग रहा था उनको। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी समझता हूँ हर चीज़, लेकिन यार ना ये तरीका नहीं हुआ। क्यों अपनी माँ को दफनाते हो, क्यों माँ अपनी माँ को जलाते हो, एकदम धधकती आग में फेंकाते हो, क्या वो दुख तुम्हें नहीं लगता, क्या वो दर्द नहीं होता। तुम दाग देते हो, गरम सहिला करके मरे हुए अपने परिजन को दाग देते हो। अब वो जब दागते हो आप, तो आपको दर्द नहीं होता। जब आपकी माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनको पानी दाना टाइम से देने वाला नहीं होता, तो क्या दुख नहीं होता। वहाँ तो आपका आपकी श्रद्धा मर जाती है। जब गाय का नंबर आता है कि वो बूचड़ खाने जा रही थी, तब आपको दर्द होने लगता है।
क्योंकि वो दर्द किसी धर्म से दूसरे धर्म से जुड़ा था इसलिए, या फिर तुम इतने अंधभक्त हो गए कि सही चीज को सही नहीं समझ पा रहे हो। ऐसे ये शरीर है, पांच तत्व का इंजन है, और ये पांच तत्व का इंजन कभी न कभी खराब होगा। आप कहोगे तुम्हें काट के तुम्हारा बेटा खाए, अरे भाई हमसे श्रद्धा जुड़ी है लेकिन हमारा बेटा हमको दागेगा, हमको उस धधकती हुई आग लगा देगा, जला देगा, हमको हमारी खोपड़ी को नदियों में बहा देगा, तुम उसे श्रद्धा से जोड़ दिए। भाई यही तो मानसिकता है, यही तो कमजोरी है, इसको समझो। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो आपकी क्या राय है, गलत सही जो भी बोल पाया हूँ, प्रयास किया हूँ, तो आप भी हमें ये सजेशन दीजिए कि ये गलत बोला है तू, और अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि समाज में जागरूकता फैल सके। हम किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के विपक्ष में नहीं है, हम तो बस अपनी राय रख रहे हैं। इस राय को आप बदल सकते हो, और इस राय पे अगर आपको लगे तो आप माफ़ी भी मंगवा सकते हो, क्योंकि मैं एक न्यूटन टाइप का आदमी हूँ, मतलब किसी तरह से किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूँ, मैं मध्य में हूँ, और मैं समाज के और इंसान और प्रकृति के साथ हूँ, जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी हिस्सा है, तो इसके पक्ष में हूँ, इतना ही कहना है। और वीडियो लंबा ना हो तो बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।